हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। टू हेल्दी आंवला रेसिपीज। तो आज हम बनाएंगे आंवला की हेल्दी रेसिपीज। सबको पता है आंवला यानी इंडियन गूज बेरीज में बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी होता है, फाइबर होता है। ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस और आप एम्प्टी स्टमक आंवला का जूस या फिर अपने मील के साथ आंवला कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बेहद ही हेल्दी रहने वाला है। ये सीज़न है आंवला का, साथ ही ज़रूरत है आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए और साथ ही हेल्दी वेट लॉस के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंवले के हेल्दी जूस के साथ। तो आंवले का जूस बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको वो डब्बे में बंद जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ आंवले का जूस मार्केट में आता है। सिंपली आप दो आंवला को लीजिए, उन्हें चॉप कर लीजिए वॉश करके, उसे हमने डाल दिया है एक ग्राइंडर के अंदर। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर रोस्टेड जीरा पाउडर और पिंक सॉल्ट भी ले लिया है। आप चाहें तो कुछ और हर्ब्स एंड स्पाइसेस अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। पहले थोड़े पानी के साथ ग्राइंड करना है ताकि कोई लम्स ना रहे और ये बहुत ही अच्छी तरह पिस जाए। थोड़े और पानी के साथ एक बार फिर हमने ब्लेंड कर लिया है और अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। आप चाहें तो बिना स्ट्रेन किए भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आप को वो जो बीच में रेशा इसका आता है वो पसंद नहीं है तो आप इसे स्ट्रेन करके कंज्यूम करें। ये जो इसका पल्प बचा है आप उसको एक बार फिर से ब्लेंडर के अंदर डाल के एक बार फिर से ब्लेंड कर दीजिए ताकि और जो इसके जूसेस हैं वो बाहर निकल आएँ। तो थोड़ा और पानी इसमें ऐड कीजिए और एक बार फिर ब्लेंड करके इसी तरह स्ट्रेन कर लीजिए। इसका जो पल्प है वो आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डो में यूज़ कर सकते हैं। आप उसका डो से चपाती बना सकते हैं, आप चाहें तो दाल के अंदर इसे डाल सकते हैं। सब्ज़ी में खट्टापन भी आएगा और ये वेस्ट भी नहीं होगा, इसको जो फाइबर है वो आपको मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ल्यूकवॉर्म वाटर इसके साथ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा हनी भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़्यादा इसके बेनिफिट्स इन्जॉय करने के लिए आप इसे एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट मॉर्निंग में कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी हाई प्रोटीन अगर ब्रेकफास्ट को इन्जॉय कर रहे हैं तो उसके साथ भी अगर आप इसे लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है दैट इज़ इंस्टेंट आंवला पिकल रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये आंवले को, इनफैक्ट होल आंवले को कंज्यूम करने का। तो अगर आप नहीं जानते किस तरह से वो ट्रेडिशनल पिकल बनता है आंवले का तो ये आप रेसिपी ट्राई कीजिए। 4 से 5 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है और उसमें आंवला जो है 500 ग्राम के आसपास है। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने मेम्बर हैं आपके घर में और कितना टाइम में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब पानी में बॉईल आने लगे तब हमें अपने आंवला इसके अंदर ऐड करने हैं और 1 या 2 मिनट तक ही हमें गैस को ऑन रखना है। उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है और फिर इसे हमें गर्म पानी में ही छोड़ देना है फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स। यानी हमें आंवले को ज़्यादा देर उबालना नहीं है, इसका क्रंच उससे चला जाएगा। अगर ज़्यादा पक जाएगा तो ये गुई गुई हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, पहले तो जब पानी उबल रहा है तभी हमने आंवले को ऐड करना है और फिर 1 या 2 मिनट से ज़्यादा गैस को ऑन नहीं रखना है। और फिर फ्लेम को बंद करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए आप आंवले को उसी के अंदर छोड़ दीजिए। अब हमें इसको डिसीड करना है यानी इसकी गुठलियाँ निकाल के इस तरह से चॉप कर लेना है। और अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे कुक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें ये है वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल में मैं इसे पका रही हूँ। अगर आप कोई और हेल्दी ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूमिन यहाँ पर मैंने यानी जीरा डाल दिया है। जीरे को डालने के बाद यहाँ पर हल्दी मैंने डाली है, उसे भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर चिली पाउडर मैंने ऐड किया है।
अगर आप कोई और स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर के लिए तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड में यहाँ पर मैंने सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाला है और उसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। पूरे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए आपकी आंवले के अंदर। और अब इसे ठंडा हमें करना है और फिर इसे हम स्टोर कर सकते हैं एक ग्लास जार के अंदर। तो जब भी आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं या लंच में, मैंने अभी हाल ही में व्हाट आई ईट इन अ डे अपने दूसरे चैनल पर शेयर किया था, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझसे आंवले की रेसिपी मांगी थी। 10 से 12 दिन तक आप इसे फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें से 4 या 5 पीसेज उठाइए, आप उसे लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो ये दोनों रेसिपी बहुत ही आसान है आंवले को आपके डाइट के अंदर इंक्लूड करने के लिए। जल्द ही मैं आपके साथ डिटेल में आंवले के बेनिफिट्स को शेयर करूँगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। यू कैन फाइंड द टेक्स्ट रेसिपी ऑफ दिस वीडियो ऑन माय वेबसाइट। अगर आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।